हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम अपडेट में। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना वो काफी महत्वपूर्ण है। बड़ा नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि आप लोग इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, और कैसे फॉर्म को भरना है वो भी जान लीजिएगा। और आप लोग फॉर्म को पहले आप लोग खुद भरिएगा दोस्तों को बताने से पहले। और सर्वप्रथम मैं आपको इसकी बेसिक जानकारियां बता देता हूं और हम लोग अपना फॉर्म भरेंगे। और दोस्तों यहां पर मैं बता देता हूं आप लोगों के दोस्तों, फॉर्म जो वो काफी महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों ये मौका जो है आप अपने हाथ से ना छोड़ने दे। तो पहली बार आ चुकी है बंपर भर्ती ग्राम पंचायत में। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत को जो भर्ती है वो आ चुकी है सभी राज्यों के लिए सीधी भर्ती। इसका मतलब ये केंद्र सरकार की बंपर भर्ती में शामिल हो चुकी है। तो दोस्तों यहां पर हम बात कर लेते हैं कौन कौन से पदों पे यहां पर भर्ती है। तो ग्राम प्रधान जो होता है उसके लिए भर्ती है, और ग्राम जो पंचायत अध्यक्ष होते हैं उनके लिए, मुखिया पद के लिए और पंचायत सचिव के लिए। और पद की बात करते हैं तो 9,856 पदों पर सीधी भर्ती। आवेदन करने का बड़ा मौका, वेतन की बात करते हैं तो 67,000 रुपीज आपकी जो होगी, जो सैलरी होगी इन हैंड। और पद की बात करते हैं तो 9,856 पदों पे सीधी भर्ती। दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे थे, ये जो मौका आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, फॉर्म को आइए हम लोग भरेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों के, हमारे चैनल पर रोजाना जो है वो जीके का कंपटीशन होता था। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने किस टिकटॉक ऐप को बंद किया था, वो किस देश में, तो हमने इसका कल सवाल पूछा था। तो जो मैक्सिमम जो 90% लोगों ने गलत जवाब दिया, तो फिर से मैं सवाल पूछ रहा हूं, गलत सही जवाब आप लोग दीजिए। भारत, श्रीलंका, नेपाल और चीन। और अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो आपको मिलता है 20,000 रुपए का स्टडी मटेरियल। और आपको इसका नीचे कमेंट करके आपको इसका सही जवाब देना है, और आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, क्योंकि हम लोग आपको अपनी ईमेल आईडी पे ही आपके जो है स्टडी मटेरियल सेंड करेंगे। और ईमेल आईडी जो है वो आप लोग सही लिखिएगा, क्योंकि सही ईमेल आईडी पे ही हम लोग भेज पाते हैं। और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उन्हीं ये स्टडी मटेरियल मिल रहा है। और हम लोग आपको बता देते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप के साथ हमारे जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको स्टडी मटेरियल अनलिमिटेड मिलेगा। और दोस्तों यहां पर जो स्टडी मटेरियल है वो सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल है। 70% की लिखित परीक्षा पास कर सकते हैं अपने जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों हमारे आते हैं अपना ऑफिशियल अपडेट की ओर। तो यहां पर आप देख लीजिए, ग्राम पंचायत अधिकारी समेत जो है 1953 पदों पे विज्ञापन जारी। तो चलिए ऑफिशियल अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत भर्ती 2019, और इस भर्ती प्रक्रिया के सभी उम्मीदवार फॉर्म को ऑनलाइन जमा करेंगे और 0% आपको शुल्क लगेगा। इच्छुक जो उम्मीदवार है वो आज ही आवेदन करें ग्राम पंचायत की सीधी भर्ती, 1953 पदों पे सीधी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको फॉर्म जो है आज ही भरिएगा। और जान लेते हैं कि दोस्तों स्टार्टिंग डेट क्या है फॉर्म जमा करना, और शुरू करने की डेट जो है वो 24/4 से ही शुरू हो चुकी है फॉर्म डेट। तो जल्दी से जल्दी आज से ही हम आवेदन करेंगे, फॉर्म को खुद हम लोग भरेंगे अभी। और बात करते हैं दोस्तों एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों यहां पर देख लेते हैं, जो पद था वो मैंने आपको बताया ही था कि ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती है, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती है और समाज कल्याण के लिए भर्ती है। तो जो ये जो ग्राम अधिकारी है उसके लिए 10वीं पास, और सबसे और ग्राम विकास अधिकारी के लिए 10वीं और 12वीं पास, और समाज कल्याण दोस्तों ये अच्छा पोस्ट होता है, तो ग्रेजुएट आपके लिए इसके लिए चाहिए। तो ध्यानपूर्वक आपने समझ लिया, अगर आप लोगों ने 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट करा है तो आप लोग इस फॉर्म को इस हिसाब से भरना होगा आपको। और आ जाते हैं हम आप लोग दोस्तों यहाँ पर विभिन्न पदों पर कुल भर्ती कितनी है। टोटल वैकेंसी जो है ग्राम पंचायत अधिकारी की जो है 1527 है, ग्राम विकास अधिकारी के लिए 362 और समाज कल्याण के लिए 64। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 10वीं पास के लिए जो है सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो आप लोग 10वीं ग्रेजुएशन भी है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं के लिए भी अच्छा ही है 362 और सभी राज्यों के लोगों के लिए। और दोस्तों यहां पर फॉर्म का फटाफट भरिएगा। और यहां पर हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया अप्लाई है, सभी राज्य के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि 1953 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया निकली है। और बात कर लेते हैं आयु की, तो कौन कौन से पदों पर आयु है, तो पुरुष महिला सभी लोग फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 42 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और दोस्तों जो लोग फिजिकली डिसेबल होते हैं उनके लिए 45 वर्ष के लिए जो है उम्र दी गई है, और जो पहले से नौकरी कर रहे हैं एक सर्विस मैन है तो उनके लिए 48 साल जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। तो यहां पर हम आ जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूं। तो यहां पर मैं देख रहा हूं दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि पेज जो है वो थोड़ा धीरे से खुल रहा है। तो यहां पर आप देख लीजिए narega.nic.in, और इसी वेबसाइट पर आ जाइएगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक टैब खुल चुका है ग्राम पंचायत का, और यहां पर आपकी सारी वैकेंसी के बारे में बताया है। और मैं आप लोगों को पहले ऑफिशियल फॉर्म खुलकर दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पर आप जूम करिएगा पेज को, तो आप देख लीजिएगा यहां पर
जो है वर्कर, और यहाँ पर एक ऑप्शन है पंचायत का। तो जैसे ही आप इस पंचायत के बटन पर क्लिक करिएगा तो दोस्तों आ जाते हैं हम ऑफिशियल अपडेट की ओर। और देखिए यहाँ पर जैसे ही आप आइएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचायत, ग्राम पंचायत की यहाँ पर भर्ती के बारे में एक नोटिफिकेशन का बटन खुल चुका है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपके आपको अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको आना है और फॉर्म को अपना खुद से भरना है, खुद से ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा, 10 से 20 मिनट लगने वाला है। फॉर्म फीस जो है बिल्कुल फ्री है, तो आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म को भर सकते हैं, कंप्यूटर से फॉर्म भर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फटाफट जाइए स्टडी मटेरियल के लिए। आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और आपको हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जो लोग सब्सक्राइब करें उन्हीं को ये स्टडी मटेरियल मिल रहा है। डेली 10,000 लोगों को स्टडी मटेरियल मिल रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।